चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस के टीम मुकाबले में मनिका बत्रा के शानदार खेल से भारत ने सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। और इस वक्त मैं दिल्ली के नारायणा विहार में मनिका बत्रा के घर पे मौजूद हूँ, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके परिजन, उनके मम्मी, उनकी दादी, तमाम लोग हैं और आसपास के जो लोग हैं वो भी यहां पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे ये तस्वीर है, जो बुके है, बुके लेकर लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए, मिठाई का डब्बा है, घर में बहुत खुशी का माहौल है। कुछ इवेंट्स भी बचे हुए। सबसे पहले मनिका की माँ है, जैसे ही आपको लगा कि भारत ने सिंगापुर हराकर स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है, क्या लगा? वो माहौल एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, वर्ड्स ही नहीं है उसके लिए। उस टाइम तो इतना ज्यादा मतलब ये था कि आई थिंक बीपी अगर टाइम करते तो बीपी लो या हाई होता ही होता। पूरे गेम के दौरान अप डाउन होता रहा नेचुरली। जितना मनिका के ऊपर मतलब उस टाइम स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस होता है, उस टाइम मेरा भी ऐसे फील होता है और लगता है कि मनिका खेल रही है, अगर पॉइंट लूज करती तो लगता मुझे क्या, अगर लेके गई तो लगता मैंने लिया पॉइंट। तो मतलब गेम वो खेल रही है बट मेरा भी वही उतना सेम लेवल रहता है। बहुत अच्छा लगा, खेल लिया था, जब उसके गोल्ड मेडल मिला है बड़ी खुशी के आंसू आ गए। अच्छा खेल लिया और सिंगापुर वालों को हरा दिया, और क्या चलता है। हमारी बच्ची है और ये पूरे नारायणा के लिए बड़ी खुशी की बात है। पूरा नारायणा जश्न मनाएगा। देश के लिए जो स्वर्ण पदक आया है वो नारायणा की एक बच्ची लेके आई है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। आगे के मुकाबलों के लिए एक माँ का क्या आशीर्वाद है मनिका के लिए? ऐसा अंडरस्टूड कि वो विन करके आएगी और गोल्ड मेडल लेके आएगी और फिर जब मैच होगा फिर पूजा करेंगे आप? वो तो मेरे हाथ में ही रहता है, इवन मेरे मोबाइल में ही मेरे गुरुजी रहते हैं, तो मुझे लगता है कि बस यही चलता रहता है और कुछ नहीं। बिल्कुल, ये मनिका की मम्मी, उनका परिवार, उनके आस पड़ोस के लोग, तमाम लोग हैं और ये घर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी का माहौल है। और सामने देखें टीवी पे अभी भी टेबल टेनिस का मैच चल रहा है। जितनी भी मैच होती है नजरें गड़ाए बैठती हैं, जब मनिका का मैच होता है भगवान की पूजा करती हैं। और जिस तरह से मनिका ने यह कामयाबी हासिल की है, इन्हें उम्मीद है कि आने वाले इवेंट्स में भी वो देश का नाम रोशन करेंगी और कुछ और गोल्ड्स मनिका लेकर आएंगी। कैमरामैन इमैनुअल के साथ सुमंत कुमार, APN दिल्ली।